अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत वेलकम है आप सबका। ये देखिए, बिन बुलाए मेहमान भी आते हैं गार्डन में। तो आज देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, और मुझे पसंद भी है जानवर रखना, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होंगी। ये देखिए चिक्स हैं जो कितने आवाज़ कर रहे हैं। तो चलिए जी, बहुत दिन के बाद है मैंने वीडियो डाल रही हूँ। तो ये देखिए, तो फिर आज एक यह कबूतर आ गया था, तो चलिए इसी के ऊपर है सो मैंने वीडियो बनाया है। ये पालतू जानवर होता है, घरों में पाला जाता है। ये हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में से हमारे यहाँ आकर बैठा है। आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट के पॉट पे ये बैठा हुआ था। बहुत देर तक ये ऐसे ही बैठा रहा, गया नहीं था। तो फिर इसकी खूबसूरती देख के मैंने इस पर वीडियो बनाया है। बस ये गार्डन में खेल रहा था, उड़ रहा था। बहुत सारा दिन ही, बल्कि सारा टाइम इसने ना प्लांट्स और पॉट्स के ऊपर ही बैठा हुआ रहा, ये गया नहीं। और बहुत खूबसूरत है, आप देखिए बहुत ज़्यादा ही इसमें ना खूबसूरती अल्लाह ने दी है। ये देखिए स्नेक प्लांट जो मैंने डिवाइड किए थे ना, आपको बताया था एक ही पॉट में थे ये 7-8 प्लांट्स निकले थे, तो इन स्कोप को मैंने लगा दिया था। तो ये सब अच्छे से चल रहे हैं पॉट्स में, और थोड़े पॉट्स में खाली भी करूँगी, जगह भी बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा पॉट्स हो गए हैं, तो जो ख़राब है, जो ख़राब हो चुके हैं उसको निकाल देंगे, और आले बनाएंगे हम, कैरीज बनाएंगे जो बहुत आसानी से बन जाएंगी घर में। और अपने आपके पास अगर आपको शौक़ है गार्डनिंग करने का, और स्लैब पे है या बालकोनी में भी आप बना के प्लांट्स लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट्स लगाइए, नेचर का साथ दीजिए। और पौधे तो बहुत ज़रूरी है, अब लगाना ही लगाना है, ये सोच के लगाइए। और ये देखिए जानवर कुछ नहीं चाहते हैं हमसे, बस थोड़ा बहुत खाना पानी इनको अगर आप दे दें तो ये अपने साथ रहते हैं अच्छे से। तो ये देखिए जी, कबूतर बैठा हुआ ही था, बहुत देर तक बैठा था, और ये ऐसे ही बैठा रहा। और उसके बाद ये थोड़ा घुमा फिरा उसके, क्योंकि मैं कैद नहीं करती हूँ, उड़ा दिया हमने इसको। ये किसी का था पता नहीं, कोई पालतू था शायद, तो रह जा रहा था। केज था हमारे पास रखा, तो उसमें भी आकर बैठ गया था, अच्छे से जा नहीं रहा था। खाना पानी हमने इसको दिया, उसके बाद इसको हमने उड़ा दिया। तो ये बहुत लोग आते हैं पौधों जब होते हैं। तो ये देखिए जी, मनी प्लांट अच्छी सी पानी में चल रही है, इसको रिपोर्ट करूँगी मैं। बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी इस परिंदे में, और बहुत भी बहुत ना शांत बैठा हुआ था ये। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से ये एंजॉय कर रहा था, प्लांट्स के बीच में ही बैठा ही रहा। कितनी की देर तक था ये स्नेक प्लांट के बाजू की, ये देखिए स्नेक प्लांट बहुत आसानी से लगा सकते हैं आप, और एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है तो होना ही चाहिए, और बहुत आसानी से लगता है। सालों साल आपके पास स्नेक प्लांट रहता है अगर आप लगाते हैं तो। कई ऐसे परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो बहुत सालों तक आप अपने पास मौजूद रख सकते हैं, हरे भरे रहते हैं। ये देखिए, ये वैरायटी अलग है स्नेक प्लांट की, और ये देखिए कितने अच्छे से जो मैंने रिपोर्ट किए थे, लगाए थे, सारे प्लांट्स अच्छे ही चल रहे हैं। ये देखिए सारे, अब मट्टी में ये चेंज करूँगी। स्पाइडर प्लांट है, इसको भी रिपोर्ट करना है मुझे। एक छोटी सी ग्लास में चल रहा है ये प्लांट, लेकिन मैं इसको निकाल के पॉट में लगा दूँगी। बस सिंपल सा एक वीडियो डाल रही हूँ, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। ये देखिए स्नेक प्लांट, बहुत बहुत अच्छा प्लांट होता है, ला के ज़रूर आप अपने घर में लगाइए, बहुत आसानी से ये लग भी जाता है। यही था जी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।